सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। तो भाई फाइनली अपन सभी का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि अपन सभी को मिलने वाला है फ्री में मैजिक क्यूब। साथ में गाइस, मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट कब होगा इसको लेकर भी मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम टॉप अप इवेंट चेंज होने वाला है, न्यू फिश स्किन इवेंट आने वाला है और साथ में गाइस असासिन क्रीड का रिंग इवेंट आने वाला है। M1 एडिशन की स्किन इवेंट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। कुल मिला के गाइस आज मेरे पास काफी सारी मस्त मस्त सी अपडेट है, आइए देखते हैं मजा आएगा। यार लिटरली काफी सारे लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछते रहते हैं कि भाई नेक्स्ट रिंग इवेंट कौन सा रहेगा, ऑफिशियली कंफर्म बताओ। तो ये देखो नेक्स्ट रिंग इवेंट का ऑफिशियली पोस्टर है। यार अपना नेक्स्ट रिंग इवेंट इतना खतरनाक होगा भाई, ये तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था। बाकी गाइस इसके अंदर आपको टोटल 3 M1 एडिशन की स्किन देखने को मिलेगी। सबसे पहले M1 एडिशन की स्किन रहेगी गैस अपनी रैपर अंडरवर्ल्ड, जो कि आप लोग देखो। अगर बात करें इसके एट्रीब्यूट्स की तो इसके अंदर आपको रेट ऑफ फायर डबल मिलता है और साथ में आपको रेट ऑफ स्पीड सिंगल प्लस मिलती है। देखो भाई ये वाली M1 एडिशन की स्किन बहुत ही रेयर है और ऊपर से भाई इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो कते खतरनाक टाइप के है भाई, मेरे को कते बवाल लगे। दूसरी गन स्किन रहेगी हैंड ऑफ होप और इसके भी अंदर आपको रेट ऑफ फायर डबल मिलता है और साथ में आपको डैमेज सिंगल प्लस से मिलता है। तीसरी गन स्किन रहेगी भाई अपने ग्रिस्टनिंग, जो कि रमजान इवेंट की है। इसके अंदर आपको एक्यूरेंसी सिंगल मिलती है और साथ में आपको रेंज सिंगल मिलती है, ठीक है, जो कि भाई बहुत अट्टी है। जहां तक गाइस मेरे को इसके अंदर अपडेट वगैरह मिली है, ठीक है, जो अपने हैंड ऑफ होप और जो अपने रैपर अंडरवर्ल्ड है, ठीक है, इससे आप लोगों को डैड स्पिन करके निकालना पड़ेगा। आप लोग गाइस इसे टोकन से एक्सचेंज करके नहीं निकाल सकते। और भाई खतरनाक बात ये होगी कि 200 स्पिन के अंदर यानी गाइस 3600 डायमंड के अंदर आपको एक गन स्किन गारंटेड मिल जाएगी। देखो भाई मैं तो हैंड ऑफ होप निकालने वाला हूं, ठीक है, लेकिन भाई रैंडमली रिवॉर्ड मिलने वाले तो भाई थोड़ा सा कम चांस रह सकता है, क्योंकि इसके जगह मेरी जो रैपर अंडरवर्ल्ड है गाइस वो भी मिल सकती है। तो गाइस अगर आपके पास 3600 डायमंड है तो ही आप लोग इसके अंदर स्पिन करना, ठीक है, वरना फिर रिस्क मत लेना। अगर बात करें इस रिंग इवेंट की डेट की तो ये आपको आने वाले 8 अप्रैल को यानी गाइस कल को छोड़ के परसों इसका इवेंट वगैरह हमारे गेम में आने वाला है। और गाइस मैं भी इसके अंदर स्पिन वगैरह करने वाला हूँ, जिसका एक वीडियो भी आएगा सुबह के टाइम पे, ठीक है, तो उसे आप लोग पहले देख लेना फिर आप लोग स्पिन करना, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितने डायमंड लगने वाले है, आप लोगों के पास कितने डायमंड है और क्या आप लोग इसके अंदर स्पिन वगैरह करोगे, मेरे को एक बार कमेंट के अंदर बताना। अगर गाइस आप लोग इवेंट के सेक्शन में, ठीक है, जो न्यूज का सेक्शन है वहाँ पे जाओगे तो गर्ना के मालिक चावली ने एक नोटिस डाल दी है। आने वाले 11 तारीख को रात के 12 बजे गाइस अपना जो फर्स्ट टाइम टॉप अप इवेंट है वो एंड हो जाएगा, यानी गाइस गेम से वो रिमूव हो जाएगा। अब गाइस कहा यह जा रहा है कि जब ये टॉप अप इवेंट खत्म हो जाएगा इसके बाद अपने को कुछ इस तरह का टॉप अप इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर अपने को 3 रिवॉर्ड चूज करने का मौका मिलेगा। जैसे कि गैस अगर आप लोग गेम के अंदर फर्स्ट बार टॉप अप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे गैस आपको एक पेट का क्रेट मिलेगा, एक इमोट मिलेगा और मिलेगी एक UMP की गन स्किन है। अब इन तीनों रिवॉर्ड के अंदर गैस आपको जो भी रिवॉर्ड अच्छा लगता है, ठीक है, जब आप लोग फर्स्ट बार टॉप अप करते हो, ठीक है, तब आपको चूज करने का मौका मिलेगा, यानी आपको जो भी इनमें से कोई एक चूज करना है वो आप लोग चूज कर पाओगे। अगर आप लोग पेट का क्रेट चूज करोगे तो आपको पेट का क्रेट मिलेगा और अगर आप लोग इमोट को चूज करोगे तो यहाँ पे देखो ये वाला डेब इमोट आपको मिलेगा, और अगर गैस आप लोग गन स्किन को चूज करोगे तो यहाँ पे आपको पंपकिन वाली UMP की स्किन मिलेगी। अब देखो गैस जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे सेम टू सेम रिवॉर्ड दिखने को मिले, ठीक है, इनके जगह आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी दिखने को मिल सकते हैं। बाकी गैस का ये जा रहा है कि ये जो अपना फर्स्ट टाइम टॉप अप इवेंट आने वाला 11 अप्रैल को खत्म होगा, ठीक है, इसके बाद अपने को कुछ इस तरह का टॉप अप इवेंट वगैरह दिखने को मिलेगा। हाल फिलहाल ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन जैसे कन्फर्म होगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ ऐसी अपडेट निकल के आई हुई थी तो मैंने आप सभी को बता दिया। अब देखो मेरे ताऊ जी, ठीक है, अपन सभी को पता है कि भाई गर्ना का मालिक चावली हर महीने अपने गेम के अंदर एक ना एक मुट्ठी का स्किन इवेंट लाके देता है। पिछले महीने अपने गेम के अंदर गैस अपने को न्यू मुट्ठी का स्किन इवेंट देखने को मिला था, ठीक है, लेकिन इस अपडेट के अंदर अब एक भी न्यू मुट्ठी की स्किन बची नहीं है, तो इसी महीने गर्ना आपको ओल्ड मुट्ठी का स्किन इवेंट लाके देने वाला है। हमारे गेम के अंदर गैस 2 मुट्ठी का स्किन ऐसा इवेंट है, ठीक है, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले गैस अपनी मुट्ठी की स्किन है थंडरबोल्ट मुट्ठी की स्किन और दूसरी मुट्ठी की स्किन है आर्चिवर मुट्ठी की स्किन है। ये 2 मुट्ठी की स्किन गैस काफी टाइम से पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे अपडेट ये निकल के आई हुई है कि ये आपको दोनों ही नहीं तो गैस इनमें से कोई एक मुट्ठी का स्किन इवेंट अपने गेम के अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। मुट्ठी की स्किन इवेंट को लेकर ज्यादातर अपने गेम के अंदर गैस, ठीक है, अपने को मॉकस्टर ही देखने को मिलता है, लेकिन काफी बार लकर रोल देखने को मिला है तो कुछ बार अपने को फेडल विल देखने को मिला है। अब यहाँ पे गैस आपकी खोपड़ी के अंदर ये क्वेश्चन आया होगा कि ये मुट्ठी का स्किन आखिर अपने गेम के अंदर आएगा कब, तो
ये अपने को इसी महीने के एंड तक यानी गस आने वाले 21 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में हमें देखने को मिलने वाला है। अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे मुट्ठी की स्किन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने आपको मेरे पास जो भी अपडेट वगैरह निकल के आई थी वो सारी अपडेट मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिए। बाकी गस आप लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताओ कि आप लोगों कौन सी मुट्ठी का स्किन इवेंट आने का वेट कर रहे हो। ठीक है गस, मैं तो वेट कर रहा हूँ अपने वन पंच मैन की जो मुट्ठी की स्किन है ना उसका, क्योंकि वो कते बवाल टाइप की है। अब यार आए दिन गरना का मालिक चावली अपने गेम के अंदर भाई खतरनाक का जो रिवॉर्ड्स वगैरह है ठीक है उसका रिंग इवेंट ला के देता है। ठीक है, जिसकी वजह से भाई अपने को जो अपने पुराने कच्चे होते हैं उसे भी बेचने पड़ते हैं, क्योंकि अपने पास डायमंड नहीं होते। कच्चों को बेच के गैस जो भी पैसे निकल के आते हैं ठीक है गैस उसका मैं यूज करके भाई गेम के अंदर टॉप वगैरह करता हूँ और डायमंड को उड़ाता हूँ। लेकिन गैस यहाँ पे अपने गेम के अंदर कुछ इस तरह का फ्री रिवॉर्ड का इवेंट निकल के आ रहा है, जहाँ पे गैस आपको आपका जो कच्चा है उसे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक फ्री रिवॉर्ड का इवेंट है। इस इवेंट के अंदर गैस आपको कुछ छोटे मोटे मिशन को कम्प्लीट करना है, इसके बदले में आपको एक टोकन मिलेगा और इन टोकन का यूज करके यहाँ पे आप लोग एक्सचेंज स्टोर के अंदर इन टोकन को एक्सचेंज करके अच्छे अच्छे रिवॉर्ड को ले सकते हो। जैसे कि गैस यहाँ पे एक मस्त सा हरे पत्ते वाला एक अवतार है जो कि मेरे को काफी बढ़िया लगा, और गैस यहाँ पे रखी गई है एक मस्त सी सपबोर्ड की स्किन जो कि आप लोग देख रहे हो। सपबोर्ड की स्किन मेरे को काफी अच्छी लगी क्योंकि इसके अंदर अपने को अच्छा खासा भाई झूला भर भर के एनिमेशन वगैरह मिल जाता है। बाकी गैस यहाँ पे रखी गई है एक पैराशूट की स्किन। एक्सचेंज स्टोर का सबसे मेन रिवॉर्ड गैस रखा गया है एक यहाँ पे देखो ग्लोल की स्किन जो कि भाई मेरे को काफी मस्त लगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का फ्री रिवॉर्ड का इवेंट निकल के आ रहा है। ग्लोल की स्किन गरना ने काफी सारे सर्वर के अंदर फ्री में क्लेम करने को दी है, तो आने वाले वक्त के अंदर भी अपने को ये वाली ग्लोल की स्किन फ्री में क्लेम करने को मिलेगी। बाकी गैस इवेंट को लेकर कुछ इस तरह का अपडेट निकल के आया हुआ था मैंने आपको बता दिया। इसी महीने के अंदर अपने को इतने खतरनाक रिवॉर्ड्स वाले इवेंट देखने को मिलने वाले हैं जिसके भाई आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप में से काफी सारे लोगों को चाहिए आर्टिक ब्लू बंडल का जो इनक्यूबेटर है वो रिटर्न में। अब यहाँ पे अपने गेम के अंदर आर्टिक ब्लू बंडल को लेकर गैस कुछ इस तरह का रिंग इवेंट निकल के आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आपको सभी आर्टिक ब्लू बंडल के जो बंडल्स वगैरह है वो देखने को मिल जाते हैं। पिछले महीने के अंदर गैस ऐसी अपडेट निकल के आई हुई थी कि जो अपना आर्टिक ब्लू बंडल का रिंग इवेंट है ये अपने को बहुत जल्द ठीक है इसी महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी अप्रैल महीने के अंदर। लेकिन अभी के लिए गैस ये जो रिंग इवेंट है इसे थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। ठीक है, और इसे पोस्टपोन भी कर दिया गया है क्योंकि इस महीने अपने गेम के अंदर ऑलरेडी भाई अच्छे खासे रेयर रिवॉर्ड के इवेंट वगैरह आ रहे हैं। जैसे कि गैस आने वाले 15 अप्रैल तक तो भाई रिंग इवेंट और लक रोल इवेंट आने वाले हैं, और भाई इतने खतरनाक कि उसके अंदर आपके अच्छे खासे डायमंड बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए गैस अपना जो आर्टिक ब्लू बंडल का रिंग इवेंट है उसे अभी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको अपडेट के बाद अपने नेक्स्ट मई महीने के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे गैस अपडेट के बाद हो ही रही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपडेट के बाद आपको एक और रिंग इवेंट देखने को मिलेगा असैसिन क्रीड का, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। रिंग इवेंट के अंदर गैस आपको एजियो ऑडिटर बंडल देखने को मिल जाता है, जो कि भाई ये वाला बंडल अपने को मिस्ट्री शॉप इवेंट के अंदर देखने को मिला था। ठीक है, और भाई बंडल बहुत मस्त है, खास करके इसका टॉप। तो गैस मिस्ट्री शॉप के अंदर ये वाला बंडल सस्ते में मिल गया था। ठीक है, लेकिन भाई नहीं निकला तो क्या ही करेंगे, अब अपने को अच्छे खासा डायमंड देने पड़ेंगे। और बाकी यहाँ पे देखो गैस एक दूसरा आपको मेल बंडल भी देखने को मिल जाता है। ये वाला मेल बंडल भी गैस आपको यहाँ पे इस रिंग इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसका गैस टॉप वगैरह ठीक है सब कुछ काफी मस्त और प्रॉपर बनाया गया है। और बाकी यहाँ पे गैस इसके साथ में इसका फीमेल बंडल भी दिया गया है। असैसिन क्रीड कोलैबोरेशन के अंदर गैस ये वाला जो फीमेल का बंडल है ठीक है मेरे ख्याल से अपने को फ्री में क्लेम करने को मिला था, आपको याद होगा तो। वैसे मेरे को पक्का पता नहीं है, लेकिन फ्री में ही क्लेम करने को मिला था। चौथा रिवॉर्ड रखा गया है क्रीड स्ले इमोट, जो कि आप लोग देखो भाई काफी मस्त है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रिंग इवेंट के निकल के आने वाला है। कहा गया ये जा रहा है कि OB44 अपडेट के बाद इसका जो रिंग इवेंट वगैरह है वो अपने गेम के अंदर आने वाला है। तो अभी के लिए आपको अपडेट का वेट करना होगा, अपडेट आने के बाद ही इसका इवेंट वगैरह कंफर्म होगा, तब मैं आपको इसकी डेट भी बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल गैस रिंग इवेंट को लेकर कुछ इस तरह के अपडेट निकल के आई हुई थी मैंने आपको बता दिया। बाकी फाइनली गैस बात करते हैं अपने फ्री मैजिक क्यूब इवेंट के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग सस्ते में वीकली मंथली परचेस करना चाहते हो तो आप लोग यूज कर सकते हो गैस डायमंड खरीदो ऐप का, जो की 100% सेफ एंड सिक्योर है। यहाँ तक की गैस मैं खुद इसका यूज करता हूँ। ठीक है, अगर आपको भी ट्राई करना है तो इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी गैस ये देखो फ्री मैजिक क्यूब इवेंट का ऑफिशियली पोस्टर, जो कि आपको गैस आने वाले 9 अप्रैल को अपने गेम के अंदर देखने को मिलेगा। तो फ्री मैजिक क्यूब इवेंट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि इवेंट कैसा रहेगा, तो इसको लेकर यहाँ पे दो अपडेट निकल के आई है। पहला गैस अपडेट ये है कि यहाँ पे अपने को कुछ इस तरह का इवेंट देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर अपने को मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट कलेक्ट करने को मिलेगा। टोटल आपको 100 इवेंट को कम्प्लीट करके आप लोग 100 मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट ले सकते हो। ठीक है, जिसके बदले में आपको एक पूरा जो मैजिक क्यूब है उसे एक्सचेंज कर पाओगे। दूसरा
दूसरा अपडेट ये कि भाई यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक पूरा मैजिक क्यूब ही क्लेम करने को मिल जाएगा। ठीक है, टोटली गाइस इवेंट जैसा भी आपको देखने को मिले, लेकिन आपको एक मैजिक क्यूब फ्री में क्लेम करने को मिलेगा 100% कंफर्म आने वाले 9 अप्रैल को। अब गाइस बैनर के अंदर जो बंडल शो किया गया है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन बंडल को आप लोग मैजिक क्यूब का यूज करके स्टोर से एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। लेकिन अपने को चाहिए भाई न्यू मैजिक क्यूब बंडल, तो अपने गेम के अंदर मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट कब होगा और कौन से न्यू बंडल ऐड हो गए, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा गर्ना के मालिक चावली ने अपने को एक बार इनक्यूबेटर के, ठीक है, जो बंडल्स वगैरह थे वो अपने मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट के अंदर क्लेम करने को दिए थे। तो इस बार हाई चांस रहेगा कि वापस से गाइस अपने को अच्छे खासे ओल्ड इनक्यूबेटर के जो बंडल्स वगैरह है वो अपने को मैजिक क्यूब के अंदर से क्लेम करने को मिल जाए। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का जो इनक्यूबेटर से इसका अपडेट निकल के आया हुआ है। ये इनक्यूबेटर के गाइस बंडल काफी टाइम से अपने मैजिक क्यूब के अंदर पेंडिंग में पड़े हुए है, तो इस बार गर्ना अपने मैजिक क्यूब के अंदर ये ला के दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक दूसरी अपडेट भी देता हूँ। मैजिक क्यूब के अंदर अपने को ओल्ड बंडल भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि अपना क्लाउन बंडल जो कि आपको पता होगा ये एक टाइम पे अपने मैजिक क्यूब के अंदर हुआ करता था, लेकिन गर्ना ने फिर बाद में इसे रिमूव कर दिया, तो अपने वापस ये अपने गेम के अंदर आ सकता है। पंडित बंडल का गैस फीमेल बंडल मुगर बंडल जो कि इसके अंदर भी रह सकता है। बाकी यहाँ पे गैस अपने ओल्ड, ठीक है, जो डायमंड रोल के बंडल्स वगैरह है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ज्यादातर गैस गर्ना अपने जो ओल्ड डायमंड रोल के बंडल्स वगैरह होते हैं वही अपने मैजिक क्यूब के अंदर ला के देता है। अगर बात करें कि मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट कब होगा, तो ये आपको आने वाले 17 अप्रैल को देखने को मिल जाएगा स्टोर के अंदर अपडेट, क्योंकि आने वाले 17 तारीख को, ठीक है, अपना, ठीक है, OB44 का अपडेट आने वाला है। मैं गाइस आपको 13 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में ऑफिशियली कंफर्म करके बता दूंगा कि नेक्स्ट मैजिक क्यूब के अंदर कौन से मेडल्स वगैरह आएंगे, बाकी ये एक पॉसिबल अपडेट वगैरह रहेगी। बाकी गाइस रमजान इवेंट स्पेशली एक गोल्ड रोल इवेंट ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, कब आएगा वो आपको जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। एडल्ट स्कॉर्पियो गाइस रिटर्न में आने वाली है, कब आएगी वो जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।